ये है होटल हिल व्यू, यानी पहाड़ों के नज़ारे वाला होटल। इसके बोर्ड में होटल हिल व्यू लिखा हुआ है, लेकिन गूगल कह रहा है कि ये ओयो हिल व्यू होटल है। अगर गूगल सही है तो ओयो होटल इतना बदनाम हो चुका है कि इसने नाम छुपाना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ कुछ। बहरहाल इस होटल में कभी मत आना, सर्विस बहुत ही घटिया और होटल भी घटिया। ये उदयपुर से 5 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से उदयपुर 5 किलोमीटर है। अभी बाईपास मिलेगा, उसके बाद उदयपुर सिटी है। 5 किलोमीटर शायद बस अड्डे होगा या रेलवे स्टेशन होगा, कोई तो पॉइंट होगा जहाँ तक 5 किलोमीटर पूरा होता है। अच्छा, ये घटिया क्यों है आगे बताऊंगा मैं इसकी घटियापनी। होटल से मैं निकला हूँ सुबह के 6:50, यानी 7:10 बाकी है, और इस वक्त 2-3 मिनट ओवर हो गया। उदयपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है सीधा, आगे एक ब्रिज आएगा, बाईपास का ब्रिज, वहाँ से राइट अगर मारेंगे तो माउंट आबू 183 किलोमीटर है। नाथद्वारा 45 किलोमीटर है। इस सिटी का हाईवे यहीं सामने है, लेफ्ट टर्न मारेंगे तो मुझे सिटी का बाईपास मिल जाएगा, लेकिन गूगल कह रहा है कि सीधा चलो सिटी होते हुए, लेकिन मैंने बाईपास पकड़ लिया क्योंकि दोनों का टाइम सेम था। इसलिए मैं सोचा कहाँ सिटी के अंदर जाऊँगा, फंस जाऊँगा। वैसे सुबह के टाइम में फंसने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार ये बाईपास पकड़ता हूँ। हालांकि अंदाज़ा हो गया था कि बाईपास ख़राब है, लेकिन इतना ख़राब होगा इसका अंदाज़ा नहीं था मुझे। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है इस बाईपास की। अहमदाबाद यहाँ से 265 किलोमीटर है इसी रोड पे, आगे शायद रास्ता बदलना पड़े, यानी अगर अहमदाबाद जाना है तो 48 तो छोड़ना पड़ेगा, और मैं इस वक्त 48 पे चल रहा हूँ। डूगरपुर यहाँ से 108 किलोमीटर है इसी रोड पे, आगे मिलेगा 108 किलोमीटर के बाद। बलीचा बिल्कुल करीब है, यहाँ से मुश्किल से 11 या 12 किलोमीटर है बलीचा। और अगर मैं सीधा निकल गया होता और बाईपास नहीं पकड़ता तो जहाँ पर ये बाईपास ख़त्म होता है वहाँ पर निकलता, सेम टाइम पे या कुछ मिनट पहले निकल जाता मैं, और आगे वो रास्ता मैं बताऊँगा भी। अब सुनाता हूँ होटल की दास्तान अजीब। रात को 10:10 पर मैं होटल पहुँचा था, रूम उसने दिखाया कुछ ख़ास नहीं थे। जब मैंने उससे प्राइस पूछा तो 1300 बताया उसने, मैंने कहा 1000 रुपये में दोगे तो तैयार हो गया वो। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, ये सोचकर मैंने कहा काम तो चल जाएगा यार, 6-7 घंटा ठहरना है, क्या धक्के खाएंगे। वैसे आगे एक होटल था वहाँ जा सकते थे, अगर वो भी वैसे ही निकलता तो टाइम बर्बाद होता। मैंने ले लिया, ये छोटे मोटे होटल वाले GST बिल नहीं बनाते और ना ही GST लेते हैं, लेकिन पैसा उसी वक्त ले लेंगे जिस वक्त आप ID दोगे, यानी इंटर होगे तो उसी वक्त पेमेंट करना है। अब परेशानी क्या हुई, रेस्टोरेंट नहीं है, होटल में रेस्टोरेंट नहीं है। मैं सब कुछ सेट करके सब लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करके नीचे उतरा,
पार्किंग अंदर थी, आपने देखा होगा कि पार्किंग से मैंने कैसे निकाला हूँ गाड़ी। मैं होटल की तलाश में नीचे उतरा, बाहर एक बाकड़ा लगा हुआ था, उससे मैंने कहा होटल कितनी दूर है, क्योंकि होटल वाले ने कहा था कि सामने रेस्टोरेंट है। मैं नीचे उतर के जब बाकड़े वाले से पूछा कि सामने कोई रेस्टोरेंट है, तो बोलता नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैं बोला यार गाड़ी अंदर पार्क कर चुका हूँ, अब गाड़ी लेकर कहाँ जाऊँगा। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि स्विगी या जोमैटो से ऑर्डर कर तो खाना आ जाएगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने स्विगी से ऑर्डर किया, लिमिटेड कुछ चीज़ें मिल रही थी, मैंने मंगाया। खाना खा के फारिग होने के थोड़ी देर के बाद जब आराम करने लगा मैं, तो मेरी एसी कूलिंग बहुत अच्छी दे रही थी, लेकिन मैं एसी के नीचे लेटा हुआ था और लीटर के भाव में पानी गिरने लगा, गद्दा कम्बल सब गीला। फटाक से मैंने एसी बंद किया, लेकिन पानी गिरता रहा, बहुत ज़्यादा, 3-4 लीटर पानी गिरा, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मेरी एसी तो आज तक पानी नहीं फेंकी, 7 साल हो गए हैं, आज तक एसी मेरी पानी नहीं फेंकी, ओ जनरल की है, कोई भी एसी नहीं। तो मैं गया नीचे ऑफिस में, लड़का लेटा हुआ था, मैंने कहा पानी गिर रहा है एसी से। मेरा इतना बोलने के बाद भी वो चुपचाप इसी तरह लेटा हुआ है और कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने 1 मिनट तक इंतज़ार किया, मैंने कहा भाई पानी गिर रहा है, कुछ करोगे, रूम बदलो। बोलता रूम तो नहीं बदलूँगा। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने कहा तुमने क्या समझा हुआ है कि बूंद दो बूंद चार बूंद पानी टपकाए क्या, अबे लीटर के भाव में पानी गिरा है, चल के देख, पूरा गद्दा कम्बल सब गीला हो चुका है। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो फटाक से उठ के बैठ गया, अभी आता हूँ तुम चलो, ये भी टालने वाली बात थी कि तुम चलो आता हूँ, क्या कोई काम में बिजी था क्या, सोफा पे लेटा हुआ था वो, उसके पास काम क्या था जो मुझे ऐसा बोल दिया कि तुम चलो मैं आता हूँ। फिर भी शराफत के हिसाब से मैं ऊपर चला गया, 1 मिनट के बाद फिर मैं पहुँच गया उसके पास। बोलता है आदमी भेजा नहीं पहुँचा क्या, अबे मैंने कहा जल्दी रूम शिफ्ट करके दे, मुझे सोना भी है, सुबह निकलना 6 बजे। बहरहाल उसने आधा घंटा लगा दिया शिफ्ट करने में। तो ये था हाल। उसकी जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये थी कि होटल रूम तो नहीं बदल करूँगा। किस हक से उसने ये बात कहा था कि रूम बदली नहीं करूँगा, मतलब क्या है, रात भर जाग के बिताऊंगा मैं? मैं आया किस लिए हूं तुम्हारे होटल में, तुमने पैसा क्या हराम कर लिया है क्या? ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, इनको होटल चलाना नहीं आता। अब एक बार अगर किसी के साथ ये दिक्कत पेश आई है तो क्या दोबारा वो जाएगा उसके होटल में? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, और मैं जितने लोगों को बताऊंगा या मेरी परेशानी जितने लोग सुनेंगे उनमें से अगर कुछ उधर कुछ लोगों का गुजर उधर से हुआ और रुकने का इरादा भी हुआ तो वो तो ये होटल में नहीं जाने वाले, जिन लोगों ने मेरी परेशानी जान ली है, और अगर उनका रुकने का इरादा हुआ वहाँ पे तो वो भी नहीं जाने वाले। असल में बेईमानी की उम्र बहुत कम होती है। सारे रूम खाली पड़े थे उसके, उसको ये लफ्ज़ अदा करने की ज़रूरत नहीं थी कि रूम चेंज नहीं करूँगा। उसका नुकसान क्या हुआ? अगर वो रूम शराफत से चेंज कर देता बिना कुछ बोले
फ्रेंडली, तो मुझे भी अच्छा लगता और उसका कुछ नुकसान नहीं होना था क्योंकि खाली तो पड़े हैं रूम। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी जो लैंग्वेज थी बहुत बुरी थी। वो ऐसा लगता है कि मेहरबानी खाते में मैं आया हूँ और जो दे दिया है उसी पे गुजारा करना है, रूम तो चेंज नहीं करूँगा मैं। वैसे पहली बार ऐसा सबका पड़ा है मेरा ऐसे लोगों से जो पैसा लेने के बाद भी वो चीज़ नहीं देते हैं जिसका वो पैसा लेते हैं। भैया आदमी रूम लेता क्यों है यार? हम बैठे बैठे गाड़ी में भी सो जाएंगे ना, रूम पे बैठ के क्यों सोएंगे? आदमी रूम इसलिए लेता है कि कुछ घंटे जो हम सोने के लिए टाइम निकाल रहे हैं वो उसमें अच्छी नींद आ जाए, इसी का वो आदमी पैसा देता है। बहरहाल होते हैं ऐसे लोग भी दुनिया में। तो ये हादसा पेश आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गूगल सही कह रहा है कि ये ओयो व्यू होटल व्यू हिल है, ओयो व्यू हिल होटल है। लेकिन उसने ओयो लिख के नहीं रखा है क्योंकि ओयो बदनाम है ना, सभी लोग जानते हैं ओयो में क्या होता है। लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि ये ओयो है, इसलिए मैं रुक गया। वैसे मैंने पूछा भी नहीं था, और जगहों पे पूछ भी लेता हूँ। अभी पिछले बार जब मैं गया था तो पूछ लिया था, ओयो होटल तो नहीं है ये? ये है वो जगह जहाँ से यू टर्न मार के सिटी के अंदर जा सकते हैं, या मैं अगर सीधा गया होता उदयपुर सिटी होते हुए तो यहीं पर आके मैं निकलता और मुझे यही रोड मिलती और यहाँ तक बाईपास ख़त्म हो जाता है। जहाँ से मैं लेफ्ट टर्न मार के ब्रिज के पास से बाईपास पकड़ा था वहाँ से यहाँ तक बाईपास ख़त्म हो जाता है। सात बज के 22 मिनट हुए हैं।